बोर्ड के अंतर्गत, बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के अंतर्गत जो श्रमिक पंजीकृत है, स्पेशली निर्माण श्रमिक, तो पंजीकृत श्रमिक को ही ये राशन जा रहा है बोर्ड की योजना के अंतर्गत। कार्ड बने हुए हैं, ठीक है, कार्ड को देखकर और उनको रिन्यूअल है कि नहीं वो देखकर। देहरादून में 3 इंस्पेक्टर अभी कार्यरत हैं। मेरा क्षेत्र रायपुर क्षेत्र है, धर्मपुर रायपुर जो लोकल एरिया है उसमें मैंने 10,000 लगभग राशन के वितरित किए 10,000 निर्माण श्रमिकों को। 60,000 अराउंड हमारे यहाँ पंजीकृत श्रमिक हैं इस समय। राशन किट के संबंध में तो मैं कहूँगी कि हमें डोर टू डोर जाने का भी आदेश है और हमारे संयम पर भी है कि हम किस तरह से जो इजिएस्ट वे हो, क्योंकि कोविड चल रहा है तो इजिएस्ट वे में हम कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो जनप्रतिनिधियों को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं कि आप अपने क्षेत्र का आप संयुक्त कोई आप लिस्ट दे दीजिए, फिर हम वहाँ पर जाके उनको बुला के कोविड की जो भी हमारी पैरामीटर्स हैं उनको ध्यान में रख के राशन बांट सकते हैं। वरना डोर टू डोर का भी है हमारे पास। पंजीकृत होने के लिए 90 दिन विगत वर्ष में 90 दिन का काम होना चाहिए या उससे ज़्यादा वो कितना भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ निर्माण श्रमिकों में, कंस्ट्रक्शन वर्कों में, सड़क बनाने में, आप किसी दीवार को बना रहे हैं, आप घर बना रहे हैं, सिर्फ निर्माण श्रमिकों को, उसमें लगने वाले हर तरह का श्रमिक इसके लिए लाभान्वित हो सकता है। हमारे पास पहले हमारे पास WFC था, वर्कर वेलफेयर सेंटर्स थे, लेकिन अभी बोर्ड के द्वारा नए जो निर्देश दिए गए हैं उसके हिसाब से CHC जो जन सेवा केंद्र हैं वहाँ पर श्रमिकों को पंजीकृत करने की सुविधा प्राप्त हो जाएगी, जो कि लगभग हर एक किलोमीटर में उपलब्ध है, ताकि श्रमिकों को ज़्यादा घूमना फिरना ना पड़े और जल्द से जल्द उनके कार्ड मिल जाए। कोविड के अंतर्गत जितने हमारे यहाँ निर्माण पंजीकृत जो श्रमिक हैं उनको 1,000 रुपये दिए हैं, 2 महीने तक दिए थे, मार्च और अप्रैल। तो उनके जो भी पंजीकृत हमारे यहाँ लाइव जो पंजीकृत श्रमिक हैं उनको 1,000 रुपये दिए गए हैं, अभी तक दे दिए गए हैं, उसके बाद ये राशन का सिस्टम शुरू हुआ। तो पैसे अभी दिए जाएंगे या आपके दर जिनको नहीं मिला है उनको अभी भी दिए जाएंगे, लेकिन जिनको मिल गया है 2 महीने का बस।